नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक लंबा इंतजार राम भक्तों ने किया है और आप राम भक्त अब इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो उसका भव्य और दिव्य स्वरूप कैसा होने वाला है। तो आज इंडिया न्यूज आपको राम मंदिर की पहली झलक दिखाने वाला है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर राम मंदिर जिस भव्यता के साथ बन रहा है उसकी नींव से लेकर के उसके आधार से लेकर के मंदिर तक क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है और इसमें अब किस तरीके से आगे बढ़ते हुए राम मंदिर बनने को तैयार है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो राम मंदिर के नींव का काम पूरा हो चुका है। इंडिया न्यूज आज आपको उस जगह पर लेकर चलेगा जिस जमीन पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इंडिया न्यूज संवाददाता अबुल बशर की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप इंडिया न्यूज पर पहली बार देखिए कि किस तरीके से निर्माण हो रहा है। हम आपको सीधे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए इंडिया न्यूज पर पहली बार टीवी पर पहली बार आप देखिए ये भव्य मंदिर के लिए नींव की भराई का काम है। आप देखिए न्यू करीब 50 फुट नीचे थी लेकिन अब न्यू की भराई का काम लगभग हो चुका है। और ये जो मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये जो गर्भगृह की जो ये पूरी लंबाई चौड़ाई है ये करीब 400x300 फीट की ये पूरी लंबाई और चौड़ाई है और ये 50 फीट का ये गहराई ये पूरी राफ्ट की भराई हो चुकी है और अब इस पर प्लिंथ बनाया जाना है। करीब 15 फीट ऊपर प्लिंथ बनेगा और फिर उस पर राजस्थान और तमाम मिर्ज़ापुर के पत्थरों का इस्तेमाल होगा जिससे अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। गर्भगृह 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और वहां लोग दर्शन कर सकेंगे। ये तस्वीर जो दिखा रही है आपको, ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये बेहद ख़ास है क्योंकि पहली बार टीवी स्क्रीन पर आप भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है क्योंकि देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था यहाँ से जुड़ी है। हर पल कैसा है क्योंकि दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है, दो शिफ्टों में करीब 24 घंटे लगातार काम चल रहा है। हालांकि आज बारिश का वक्त है, बारिश की वजह से थोड़ा सा काम में रुकावट है और जैसे ही बारिश रुकेगी काम फिर से शुरू हो जाएगा क्योंकि ये तमाम और उन्हीं को रोकने के लिए ये देखिए तमाम आपको आगे ले चलूँगा मैं और ये दिखाऊँगा। ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो आपको गहरान दिख रही है ये न्यू की गहरान है और ये करीब 50 फीट ऊपर तक थी लेकिन अब ये न्यू की गहरान अब ये लगभग पूरी हो चुकी है। यानी न्यू का ये पूरा निर्माण हो चुका है, न्यू की भराई हो चुकी है। अब इसके बाद प्लिंथ का निर्माण होगा और उसके बाद तब जाकर प्लिंथ के बाद पत्थरों से भगवान श्री राम का गर्भगृह बनकर तैयार होगा। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अयोध्या देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए ये सुखद खबर है क्योंकि भव्य मंदिर का निर्माण उसकी नींव की भराई का काम हो चुका है। 48 लेयर का काम लगभग पूरा हो गया, यानी ट्रस्ट जो चाहता था नींव की भराई के लिए वो काम हो चुका है। ये नींव की भराई का काम हुआ है लेकिन उसके साथ में एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाऊँगा। ये तस्वीर आपको मैं इधर ले कर चलता हूँ। ये जो लोग दर्शन करने आते हैं उनके लिए ये राम झरोखा बनाया गया है। तस्वीरों से आप समझने की कोशिश करिए कि ये राम झरोखा है, यानी जो श्रद्धालु राम जन्मभूमि में दर्शन करते हैं, अस्थाई मंदिर में दर्शन करते हैं, वो अस्थाई मंदिर है। मैं दूर से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उस अस्थाई मंदिर पे वहाँ जहाँ भगवान श्री राम इस वक्त विराजमान है वहाँ पर जो लोग दर्शन करके निकलते हैं वो उनके लिए ये राम झरोखा बनाया गया है जिससे वो राम झरोखे से सीधे यहाँ पर इस स्थान पर भगवान श्री राम का जो गर्भगृह का निर्माण हो रहा है उस काम को वो देख सकें। और इसके लिए बाकायदा राम झरोखे को खोला गया है
वहां से दर्शन करने आने वाले लोग इसे देखते हैं और देखने के बाद एक खुशी होती है, एक मन में एक अजीब सी जिज्ञासा है हर कोई राम भक्तों के मन में कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कितना पूरा हुआ है। और यही देखने के लिए लोग जब दर्शन करने आते हैं तो वो उस राम झरोखे से सीधे यहाँ इस तस्वीर को देखकर आनंद की अनुभूति उन्हें होती होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि करीब 500 सालों की तपस्या के बाद और संघर्षों के बाद ये वक्त आया है जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। और ये तस्वीर और वो देखिए आप, एक पताका लहरा रहा है, वो ध्वज जो लहरा रहा है जहाँ भगवान श्री राम जहाँ पर विराजमान होंगे, वो तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। उस तस्वीर को आप देखिए और समझिए, वो जो नींव की भराई हुई है वहाँ पर एक ध्वज पताका वहाँ लहरा रहा है और वो यही बताने के लिए है कि वो स्थान वही है जहाँ पर भगवान श्री राम का गर्भगृह और जहाँ पर भगवान श्री राम विराजेंगे, वो स्थान वही है। और ये पूरा 400x300 फीट का ये पूरा गर्भगृह का निर्माण हो रहा है। तो कुल मिलाकर ट्रस्ट की ये कोशिश है कि बहुत बेहतर बहुत भव्य अयोध्या में मंदिर बनकर तैयार हो, जिससे आने वाले समय में लोग यहाँ जब पहुँचे तो उनकी आँखें खुली की खुली रह जाएं और वो इस तस्वीर को देखकर, इस राम मंदिर को देखकर वो अपने आप में जो एक तपस्या की थी लोगों ने, संघर्ष किया था, उसके बाद ये उसका फल मिलेगा उन्हें और अपने आराध्य के यहाँ दर्शन कर सकेंगे। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। पूरे देश के करोड़ों राम भक्तों के मन में यही एक बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर कैसा होगा, मंदिर कितना सुंदर होगा और मंदिर कितना भव्यता होने के साथ साथ उसकी मजबूती कैसी होगी। तो आप ये जान लीजिए कि मंदिर ऐसा होगा कि आंधी तूफान में भी उस पर कोई असर नहीं होगा, भूकंप पर कोई असर नहीं होगा। यानी अगर भूकंप आ जाए या फिर जो बगल में सरयू नदी की जो धारा बह रही है अगर उसका भी कोई रौद्र रूप आ जाए तो भी अयोध्या के इस मंदिर पर कोई असर नहीं होगा। इसीलिए नींव की भराई इतनी मजबूती के साथ की जा रही है और करीब 48 लेयर का काम हो चुका है, यानी नींव ऐसी है कि शायद ही दुनिया में कोई नींव ऐसी भरी गई होगी। ट्रस्ट की ये कोशिश रही है और अब वो वक्त आ गया कि अब नींव की भराई का काम पूरा हो चुका है। एक बार फिर देखिए आप इंडिया न्यूज़ पर कि ये नींव की भराई का काम हुआ है, करीब 50 फीट नीचे तक ये भराई नीचे से उठकर ऊपर आई है, 48 लेयर ये पूरा काम हो चुका है जिसके चलते अब ये नींव आपको यहाँ पर दिख रही है। इससे पहले नीचे गहरान थी, काफ़ी गहरान, और वो उस स्थान को पाटना काफ़ी मुश्किल था। इसी के लिए देश के तमाम बड़े इंजीनियर्स, टाटा कंसल्टेंसी, आईआईटी के इंजीनियर्स, एलएनटी यानी लार्सन एंड टुब्रो के इंजीनियर्स, इन लोगों की तमाम कोशिशें और साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो सोच रही है कि अयोध्या का मंदिर बेहद भव्य होना चाहिए, उसी सोच को, उन्हीं सपने को साकार करती हुई ये तस्वीर है, जो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि अयोध्या का मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो वाकई न सिर्फ वो शानदार होगा, खूबसूरत होगा, बल्कि उसकी मजबूती भी ऐसी होगी कि आने वाले कई सालों तक उसकी मजबूती ऐसी ही बनी रहेगी, मंदिर ऐसे ही टिकाऊ बना रहेगा। और इसी के लिए ये सारे जतन किए जा रहे हैं, ट्रस्ट लगातार इस कोशिश में लगा है और अब वक्त भी आ गया कि जब भगवान श्री राम के मंदिर की नींव पूरी हो चुकी है, अब प्लिंथ का काम होना बाकी है। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो
आज करोड़ों लोगों का सपना साकार हो रहा है, जो कि 500 साल के बाद राम मंदिर बन रहा है। आज दुनिया भर के करोड़ों लोग इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अबुल बशर ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आप भी सुनिए। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए पूरा त्याग, अपना जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया। एक लंबा त्याग है, समर्पण है, सब कुछ है, और आज वो अपनी आँखों से राम मंदिर बनते हुए भी देख रहे हैं और साथ ही उसमें पूरा योगदान भी है। उस शख्सियत का नाम है चंपत राय जी, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं। कितनी खुशी है, क्योंकि एक जो जीवन है आपका पूरा त्याग, तपस्या, सब कुछ, और अब अंत में वो समय भी आ गया कि आप राम जन्मभूमि का निर्माण भी देख रहे हैं और साथ ही उसमें पूरा योगदान भी है आपका, अपने हाथों से, अपने उन सारी चीज़ों से, हाँ, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का स्वरूप बनता हुआ दिख रहा है। कैसी, सबसे पहला सवाल, कितनी खुशी है आपको इस बात की? सारे हिंदुस्तान को खुशी है, दुनिया में रहने वाले भारतीयों को खुशी है। मैं उस समाज का एक कण हूँ, उनको है, मुझे भी, सबको है। अच्छा, राम मंदिर के निर्माण पर बात करते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, भूमि पूजन हुआ, उसके बाद अब नींव की भराई का काम, कितना काम हो चुका है, आने वाले समय में कितना काम होना बाकी है? नींव के दो हिस्से हैं, नींव दो चरण में है, तो नींव का पहला चरण ये पूरा हो गया जिसे आज आपने देखा। जमीन के नीचे 14 मीटर मोटी एक चट्टान ढाल दी गई है। ये चट्टान लगभग 11,000 घन मीटर है। 14 मीटर मोटी चट्टान जो नींव का काम करेगी, मैं नहीं समझता किसी भवन में, किसी अन्य स्ट्रक्चर में, भारतवर्ष में कहीं पड़ी होगी। तो ये अपने में पहला प्रकार है नींव का, और जो अनोखा है दुनिया में। इसके बाद एक और लेयर आएगी, वो भी 1.5 मीटर मोटी होगी। कुल मिलाकर ये नींव है। तो दिस इज द फर्स्ट फेज। तो सेकेंड फेज में क्या होने वाला है? 1.5 मीटर मोटी अधिक ताकत वाली एक दूसरी लेयर चट्टान, राफ्ट उसको कहेंगे, वो भी 2 से 2.5 महीने में पूरी हो जाएगी। जो प्लिंथ जो बनेगा, उसमें किन किन पत्थरों का इस्तेमाल होगा और क्या पूरा आप लोगों ने, जो चूंकि काफ़ी मंथन हुआ है, क्योंकि माना जाता है या आप लोगों की कोशिश ये है कि ऐसा मंदिर बने जो हज़ारों साल तक ऐसे ही बना रहे, शानदार, चमकदार, उसकी मजबूती चाहे आंधी तूफान में भी उस पर कोई असर ना पड़े, ऐसा माना जाता है, ऐसी सोच है आप लोगों की, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें और की हैं आप लोगों ने? देखो, दो ही आक्रमण हैं। पहला आक्रमण है, भविष्य में कभी हो सकता है, वो है भूकंप, और दूसरा आक्रमण है नदी का प्रवाह। दोनों का पहले विचार हुआ है। छोटे मोटे आंधी तूफान, इसका तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ऊपर जो जमीन के ऊपर भवन है, वो भूकंप में भी टिका रहे, इतनी तैयारी यहाँ की गई है। पत्थर, हवा, पानी और धूप, इनके कारण उसका क्षरण होता है, वो भी पूरा नहीं हो पाता। तो ये लगभग 1,000 साल बाद क्षरण शुरू होता है, इसलिए सुपर स्ट्रक्चर 1,000 साल, तो उसकी नींव भी उतनी मजबूत चाहिए। ये विचार करके ये सब बनाए, और बहुत ही लाइफ लॉन्ग
लाइफ लॉन्ग ऐसा ये स्ट्रक्चर है। क्या पत्थरों को और भी तराशी के लिए कारीगरों को बुलाया जाएगा और भी तेजी से, क्योंकि अब तो पत्थरों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद? हाँ, सब काम होगा, ज़्यादा काम राजस्थान में ही करेंगे और वहाँ से कार्विंग करके ही पत्थर बुलाएंगे। यानी ये पहली शुरुआत होगी, अभी तक पत्थर की तराशी का काम कार्यशाला अयोध्या में होता था, अब राजस्थान में भी? राजस्थान में ज़्यादा करेंगे। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।